अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ शाहज़ैब रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ ख़ातम नबीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सालाना उर्स पाक में मौजूद हैं और आज क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक का पहला दिन है और अभी बाद नमाज इशा यहाँ पर महफ़िल शुरू हो जाएगी और महफ़िल जो है शेड्यूल के मुताबिक 11 बजे तक रहेगी, जिसमें तिलावत और नात खानी होगी। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी रोड ट्रैफिक बिल्कुल खुली है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अगर एम्बुलेंस आ रही है या फिर दूसरे लोग यहाँ पर अगर अपनी गाड़ियों से गुजर रहे हैं तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही, वो बआसानी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक प्लेटफार्म ऐसा है कि जिन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, जब भी वो मैदान अमल में आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूस के लिए आई है और जिस मर्द कलंदर ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर पहरा देना सिखाया है, आज उस मर्द कलंदर का सालाना उर्स पाक है और ये जो उर्स पाक है ये 3 दिन रहेगा और आज उस उर्स पाक का पहला दिन है जो कि बरोज जुमातुल मुबारक है। और इंशाल्लाह अभी कुछ देर में महफ़िल शुरू हो जाएगी और रात 11 बजे तक ये महफ़िल रहेगी, जिसमें तिलावत कुरान मजीद और नात खानी होगी और जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। लबैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।